आज के संकल्प दिवस के समारोह में उपस्थित हमारे संगठन के सूत्रधार और राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय अपने रामलाल जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित जो कार्यक्रम की शोभा है और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पुनः नवनियुक्त होकर के पुनः जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पार्टी में हमेशा तीव्र गति से लगे रहे ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे बड़े भाई श्री विजय गोयल जी जो पहले राष्ट्रीय महामंत्री रहे और अभी दिल्ली के जुझारू और कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहन ध्वनि जी और हमारे आज के मन संचालक और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजेश वर्मा जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे देश से कोने कोने से आए हुए हमारे वरिष्ठ युवा साथी, यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज के शुभ दिन रामनवमी के दिन अनुराग जी युवा मोर्चा की कमान दोबारा संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनको पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि पूरी ताकत से वो युवा मोर्चा को आगे बढ़ाएं। भाई प्रताप रूडी जी ने विस्तार से सारी बातें आपके सामने कही हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि लंबे समय तक युवा मोर्चा में काम करते हुए आज जब मैं यह बड़ा स्वरूप युवा मोर्चा का देखता हूं तो मन को खुशी भी होती है और मन को संतोष होता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य ऐसे युवाओं के हाथ में सुरक्षित है जो तीव्र गति से पार्टी को आगे ले जाने में सक्षम है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। आप लोगों ने आज परिवर्तन का संकल्प लिया है और भाजपा को विकल्प समझा है। मैं आपके बीच में और आदरणीय रामलाल जी जिनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा और भाई अनुराग जी का आपको जो संकल्प देने का कार्यक्रम चलेगा उसमें ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, लेकिन कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं क्योंकि यह संकल्प का दिन है, इसलिए हम लोगों को उस संकल्प के साथ साथ क्या करना है इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।